अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे आप सब लोग? तो मैं हूँ आपका यार इब्रार बिब्रार। और तो आज हमारा है दूसरा दिन। तो अभी हम श्रीनगर में, श्रीनगर अभी होटल में है। अभी हम अभी यहाँ से निकलने वाले हैं, तो ब्रेकफास्ट अभी हुआ नहीं है। तो जैसे जैसे निकलते हैं आपको अपडेट देते हैं, और बने रहना वीडियो में एंड तक। तो दो व्लॉग्स तुम्हारे कम्प्लीट हो चुके हैं, ये थर्ड व्लॉग मैं शूट कर रहा हूँ। सो गाइस, अभी हम निकलेंगे सोनमर्ग के लिए। और सोनमर्ग है यहाँ से 80 किलोमीटर, और सोनमर्ग से द्रास है 68 किलोमीटर, और द्रास से करगिल है 61 किलोमीटर। तो यहाँ से हम निकलने वाले हैं। तो अभी हम रेडी हो चुके हैं, तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे सीधा नीचे होटल के। तो दोस्तों, अभी हम डल लेक के पास रुके हुए थे। तो हमारे पीछे देख सकते हो शिकारा है, और यहाँ पे हम रुके हुए थे, हमें टेंट वगैरह लेना है तो, और ब्रेकफास्ट करने के लिए हमें, क्योंकि पीछे हमें कोई मिला नहीं है जहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करें। तो अभी हम आगे जाके ब्रेकफास्ट कर लेंगे, और डल लेक का व्यू देखो आप कितना अमेजिंग आ रहा है। तो यहाँ पे हमारी बाइक है, रोड में लगी हुई है। तो शिकारा का आप देखोगे, इसको थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ, इस तरीके के होता है। ये देखिए व्यू यहाँ का, ओहो अमेजिंग। तो अभी हमें करगिल 202 किलोमीटर, तो निकलते हैं हम अपनी राइड पे। तो चले फिर। ये इमरान भाई, तो मेरा हेलमेट यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये पहनोगे आप? फोटो लेने है। सो गाइज, डल लेक जो है वो श्रीनगर में पड़ता है, और समर में जो श्रीनगर कैपिटल होती है जम्मू एंड कश्मीर की। और डल लेक एक ऐसा लेक है जो एक अर्बन लेक है, जो सिटी में लोकेटेड है श्रीनगर में। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा विजिट करने वाले लोग हैं जो है टूरिस्ट, लोकल टूरिस्ट जो भी हैं, सबसे ज़्यादा इस लेक पर विजिट करते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कश्मीरियों के लिए, जहाँ पे कश्मीरी जो है अपना व्यापार करते हैं, और क्या बोलते हैं, प्लांट हार्वेस्टिंग भी करते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं डल लेक से होते हुए। तो अभी हजरत बल की साइड से हम जाएंगे, गांधरबली वाली साइड से। तो दोस्तों, ये देखो यहाँ पे सफाई हो रही है घास की डल लेक में। बहुत बड़ा डल लेक है यार, मुझे आइडिया नहीं था कितना बड़ा होगा। कश्मीर में आया हूँ पहले भी, लेकिन डल लेक के पास नहीं आया था मैं। व्यू देखो यहाँ का गजब। यहाँ पे इमरान भाई सर पे ये बांध रहे हैं कुछ कफन बांध रहे हैं सर पे। है इमरान भाई? देखो सर पे कफन बांध के चल रहे हैं। कफन बांध के निकले भाई, वो दे दे। हाँ, ये रहा इनका हेलमेट। ये लो जी अपना गिरा। रास्ते में इतना एडवेंचर देखने को मिलेगा, तो इसलिए भाई अपनी सेफ्टी जो जरूरी है। तो चले चलते हैं फिर, बढ़ते हैं आगे मंजिल की ओर। तो गाइज, अभी हमें है सोनमर्ग 55 किलोमीटर, और वो 117 किलोमीटर है हमें द्रास। सो गाइज, अभी हम यहाँ पे दुकान पे आए हुए थे, तो ये हमारे साथ हैं। तो इनकी दुकान से हमने टेंट लिया, तो बहुत ही नाइस पर्सन है। इनकी शॉप है यहाँ पे, कौन सी जगह की शॉप है? ये कंगन मेन मार्केट में, SBI बैंक के अपोजिट में, गांधरबल में आते हैं। ये गांधरबल में कंगन एरिया में। हाँ ठीक है, तो इनका फ़ोन नंबर यहाँ पे लगा हुआ है। तो आपको अगर कहीं पे अगर टेंट वगैरह भूल गया कहीं पे घर पे, या कुछ भी चीज़ आपको भूली हुई है, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। यहाँ पे क्रिकेट वगैरह की बहुत सारी चीज़ें, गेम स्पोर्ट्स की मतलब की शॉप है। तो यहाँ पे आप आना, जो इनका कॉन्टेक्ट नंबर नहीं दिया, इनको कॉल करके आप पूछ सकते हो। तो बाकी कमेंट भी कर लेना, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो मैं भी आपकी हेल्प कर दूँगा। ठीक है। सो गाइज, खाना वगैरह भी हमारा लग चुका है, तो अभी हम खाना खाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो अभी द्रास बचा है हमें 88 किलोमीटर।
तो ये देखो कितनी खूबसूरत मस्जिद है यहाँ पे। तो कश्मीर में आपको कुछ और मिले नहीं मिले, लेकिन मस्जिदें आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत मिलेंगी। ये देखो यहाँ के इसके मीनार वगैरह एकदम अमेजिंग यार, देख के इनको दिल को सुकून मिल जाता है। तो इसी तरीके से हमारा सफ़र आगे बढ़ता जा रहा है, तो आगे जो भी हमको देखने को मिलेगा हम आपके साथ सारा शेयर करते रहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी मंजिल की ओर। तो द्रास पहुँचना है हमें जल्दी से जल्दी, और जो ज़िले से क्रॉस करके हमें करगिल में आज स्टे करना है। तो दोस्तों अभी हम एंटर हो रहे हैं सोनामर्ग कश्मीर में, जिसको कश्मीरी में सोनामर्ग बोलते हैं, जो एक हिल स्टेशन है लोकेटेड है, जो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में जम्मू कश्मीर के लोकेटेड है इंडिया के, और ये लोकेटेड है 62 किलोमीटर अवे फ्रॉम द गांधरबल और 80 किलोमीटर नियरेस्ट ऑफ द सिटी, कैपिटल सिटी जो हमारी है श्रीनगर, उससे 80 किलोमीटर दूर पड़ता है सोनामर्ग। तो बहुत ही अच्छी जगह है, तो आप भी यहाँ पे विज़िट करना। ये यहाँ के गांव देखो आप, इतने अमेजिंग है, मतलब ये ऊपर से रोड जा रही, नीचे से ये पूरे गांव दिख रहे हैं। व्यू देखो बिल्कुल ग्रीनरी ग्रीनरी नज़र आ रही है। तो अभी चलते हैं आगे। आगे हमें अभी हम प्रॉपरली सोनामर्ग में नहीं पहुँचे हैं, जैसे हम पहुँचते फिर हम आपको अपडेट कर देंगे। तो अभी हमने सोनमर्ग वगैरह क्रॉस कर लिया है, तो अभी हम बढ़ रहे हैं द्रास की ओर। तो द्रास को ही 68 किलोमीटर है सोनमर्ग से, तो शाम तक हमारा टारगेट है करगिल पहुंचना है, और करगिल में है हम कैंपिंग करेंगे सोचा है, क्योंकि हमारे पास कैंपिंग टेंट नहीं था, लेकिन हमने जैसे गांधरबल से कैंपिंग टेंट ले लिया है। तो अभी जा रहे हैं हम, और इतना मज़ा आ रहा है कसम से, मौसम भी अच्छा है, हवा चल रही है, ना गर्मी है ना सर्दी है, यहाँ पे हेलीकॉप्टर वगैरह भी जा रहे हैं ऊपर से, इंजॉय कर रहे हैं और मज़ा आ रहा है कसम से। तो वीडियो को एंड तक देखना, और अगर यहाँ तक आए गए हो तो मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब करना। एक चैनल पे आपको इस्लामिक कंटेंट मिल एक चैनल पे आपको इस्लामिक कंटेंट मिलेगा जी सर, अपने बना रहा सर।